भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के द्वारा जिले में बढ़ते अपराध को लेकर अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, एएसपी शुभम आर्य, डीएसपी समेत जिले के सभी थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान एसएसपी बाबूराम ने थाना स्तर पर हुए अपराधों की समीक्षा की, साथ ही फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सहित पेंडिंग कांडों का निष्पादन करने का निर्देश थाना प्रभारियों को दिया। इसके अलावा एसएसपी ने रात्रि गश्ती, पेट्रोलिंग और जेल से छूटे हुए अपराधियों की गतिविधि पर नजर रखने को कहा। उन्होंने थाने में आए सभी फरियादियों की बात सुनकर उस पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। द्वारा क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया था, इसमें शहर के और जिला के सभी थाना अध्यक्ष उपस्थित थे, सभी एसडीपीओ, सभी सर्कल इंस्पेक्टर उपस्थित थे और विस्तृत क्राइम की समीक्षा की गई है और जितने भी शाखाएं होती है पुलिस कार्यालय में उन सभी की विस्तृत समीक्षा की गई है और सभी को निर्देश दिया गया है कि जो भी पेंडेंसी है केस की और अनुसंधान से संबंधित उसको जल्द से जल्द पूरा करें। शहर में ब्राउन शुगर की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। भागलपुर के युवाओं को ब्राउन शुगर की ऐसी लत लगी है कि आए दिन इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। मौत के सौदागर युवाओं और नशे के शौकीनों को मौत के कुएं में धकेल रहे हैं। जानकारों की माने तो यहां दूसरे राज्य से ब्राउन शुगर की डिलीवरी हो रही है, वही पुलिस भी ब्राउन शुगर के सौदेबाजों को दबोचने में लगी हुई है। ताजा मामला नाथनगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ छापेमारी दल ने नाथनगर बाबू टोला से कुमार यादव नाम के युवक को 17 पुड़िया ब्राउन शुगर और 2500 रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस की विशेष टीम ने अपराधी को नाथनगर थाने के सुपुर्द कर दिया। वही नाथनगर थाना अध्यक्ष खलीफुज्जमा ने बताया कि पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है, जिसके आधार पर तस्करी में शामिल अन्य अपराधी का पता लगाया जाएगा। 11वीं शरीफ को लेकर सोमवार को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भागलपुर मुल्लाचक शरीफ स्थित खानका शहबाजिया में भी इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की पुण्यतिथि पर खानका शहबाजिया के गद्दी नशीं सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी की अध्यक्षता में जश्न गौसे आजम समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर तकरीर, नातिया मुशायरा के आयोजन के अलावा लोगों को तबर्रुकात के दर्शन कराए गए। इसके पूर्व गद्दी नशी के आवास पर मुरीदीन को शजरा सुनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में नए मुरीद भी बने। मौलाना फारूक आलम अशरफी ने बताया कि आज रात 10 बजे सुल्तानुल आरफीन हजरत मौलाना शहबाज मोहम्मद भागलपुरी और पूर्व गद्दी नशी सैयद शाह इश्तियाक आलम शहबाजी उर्फ अमन बाबू के मजार पर गद्दी नशी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी चादर पोशी करेंगे। इधर 11वीं शरीफ को लेकर दिन भर खानका शहबाजिया में अकीदत मंदों का तांता लगा रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नौगछिया के महिला इकाई के द्वारा मदन अहिल्या महिला कॉलेज में छात्रावास चालू नहीं करने को लेकर तालाबंदी की गई। महिला इकाई ने महाविद्यालय में सुबह 9 बजे से तालाबंदी कर दिया और सभी शिक्षक और कर्मचारी को परिसर के बाहर ही रोक दिया गया। वही महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा लिखित आश्वासन के बाद ताला खोला गया। साथ ही छात्राओं ने नौगछिया अनुमंडल पदाधिकारी को अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्र संघ की आकांक्षा चौधरी ने कहा कि उन लोगों ने विश्वविद्यालय के कुलपति को कई बार आवेदन देकर महिला छात्रावास को चालू करने का आग्रह किया था, लेकिन महाविद्यालय प्रबंधन की ओर से टालमटोल कर दिया जाता रहा है, जिसको देखते हुए एबीवीपी की महिला इकाई ने महाविद्यालय में तालाबंदी करने का निर्णय लिया। इधर छात्रा मीनू और रिमझिम ने बताया कि कॉलेज प्रशासन की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया है और अगर समय सीमा के अंदर छात्रावास चालू नहीं किया गया तो आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा हॉस्टल जल्द से जल्द चालू हो। 6 साल हो गए हैं हॉस्टल, एक हॉस्टल तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, दूसरा हॉस्टल जो बना है ना तो वो चालू हो रहा है ना तो पूरी तरह से बंद हो रहा है। या तो उसको पूरी तरह से बंद कर दे या तो फिर चालू कर दे। हम छात्रावास खोलने की मांग कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, ये कोई असर नहीं करता, नहीं यूनिवर्सिटी को करता है, ना यहाँ के प्रिंसिपल को लगता है क्या चला गया है यहाँ के कान में पता नहीं। हम लोग को देखते डीसी और रजिस्ट्रार इसको सुपुर्द करेंगे हॉस्टल, तो ही ये उम्मीद है। अच्छा, वहाँ से हम लोग को सुपुर्द नहीं किया गया, हम लोग का सिर्फ छात्रावास खाली दे सकते।
बांका जिला के बबूरा निवासी मोहम्मद रियाज आलम ने धनकुंड थाना प्रभारी मंटू कुमार पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में इलाज कराने आए रियाज ने बताया कि थानाध्यक्ष ने जमीनी विवाद संबंधित मामले को लेकर एक नोटिस भेजा था, जिसमें उन्हें 5 नवंबर को थाना में लगने वाले जनता दरबार में पक्ष रखने को कहा गया था। रियाज का कहना है कि जब वे थाना गए तो थानाध्यक्ष ने उसके साथ मारपीट की। वही मामले की सूचना रियाज ने भारतीय सेना में कार्यरत अपने पुत्र अशफाक आलम को दिया, जिसके बाद अशफाक ने घटना की लिखित शिकायत भागलपुर पूर्वी क्षेत्र के DIG विवेकानंद से की है। अशफाक का कहना है कि जब उसने थानाध्यक्ष मंटू कुमार से दूरभाष पर संपर्क किया तो उसे भी वह झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कहने लगे। इधर धनकुंड थाना प्रभारी मंटू कुमार का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत और निराधार है। थानाध्यक्ष ने बताया कि धनकुंड थाना में एक दर्जन से अधिक CCTV कैमरा लगा है, वरीय अधिकारी जब चाहे इसकी जांच कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रियाज आलम के परिवार के सदस्य के विरुद्ध हमेशा थाना में कोई न कोई शिकायत आता है और जब पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती है तो सेना में कार्यरत उनका पुत्र पुलिस पर दबाव बनाने के लिए षड्यंत्र रचकर अधिकारियों को आवेदन प्रेषित करने की धमकी देता है ताकि थाना प्रभारी उनके अनुसार काम करे। हम थाना पर गए, धनकुंड थाना जमीन संबंध का नोटिस हमको दिया था। थाना पर गए तो दरोगा ने रूम में लेकर के चला गया और फाटक लगा दिया, उसमें गला गलौज मारपीट हमको करने लगा। 2 लाख रुपया का मांगा कि 8 दिन के अंदर दो, नहीं तो सब बापूत को, चारों बापूत को जेल में सड़ा देंगे। बिहार के मोकामा और गोपालगंज चुनाव में दोनों जगहों पर महिला प्रत्याशी के जीत होने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने प्रतिक्रिया दी। RCP सिंह ने कहा कि दोनों जगहों से महिलाओं के जीतने पर विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि BJP और JDU के गठबंधन में BJP उम्मीदवार को चुनाव में 42,000 मत मिले थे, जबकि JDU से अलग होने पर BJP उम्मीदवार को 62,000 मत मिले हैं। साथ ही उन्होंने जीतने वाले उम्मीदवारों को बधाई दी। मेरी सबसे पहली प्रतिक्रिया यह है कि दोनों जगह से महिलाएं जीती, तो इससे महिलाओं की संख्या बिहार विधानमंडल में बढ़ी है, इसके लिए हम दोनों को बधाई देते हैं। राजनीतिक परिदृश्य में क्या देखते हैं? देखिए, राजनीतिक परिदृश्य में तो सीधी सीधी बात है कि दोनों जगह आप जानते हैं कि जिसको हम लोग कहते हैं सिंपैथी, सिंपैथी का वोट है। लेकिन एक बात मैं मोकामा में जरूर आपको कहना चाहूँगा, मोकामा में इनके पति को जितना वोट मिला था उनसे 900 से ज़्यादा कुछ वोट मिला उनकी पत्नी को। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, जो पहले के जो विधायक थे जिन सदस्यता के चलते ये जो खत्म मिला है उनको 78,000 कुछ वोट आए थे, उनकी पत्नी को 89,000 कुछ वोट आए, मतलब करीब करीब 900 वोट ज़्यादा है। लेकिन वही देखिए, जो NDA के उम्मीदवार थे जो 2020 में चुनाव हुआ था उनको 42,000 वोट आया था, NDA में उसमें नीतीश बाबू साथ में थे। आज जब नीतीश बाबू NDA में नहीं है, वो चले गए हैं RJD में, जो उम्मीदवार BJP के हैं उनको 62,000 वोट आए, मैंने 20,000 की बढ़ोतरी है। मतलब स्पष्ट है कि नीतीश बाबू का जो वोट था वो RJD में ट्रांसफर नहीं। स्काउट एंड गाइड का स्थापना दिवस पीरपैंती के बाराहाट स्थित संत जानकी दास सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ योगीवीर पहाड़ के आचार्य माई जी महाराज, विद्यालय समिति के अध्यक्ष रतन कुमार संथालिया, पंचायत समिति मंटू रजक, परमानंद केजरीवाल, प्रवीण कुमार, समाज सेवी रामानंद केजरीवाल, प्रधान अध्यापक केशव कुमार मिश्र और स्काउट के जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मुकेश आजाद और गाइड की छात्राओं ने मुख्य अतिथि को फूल माला और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वही कार्यक्रम में आचार्य माई जी महाराज ने कहा कि स्काउट संस्था के मदद के लिए वे हमेशा तत्पर है, जबकि प्राचार्य केशव कुमार मिश्र ने स्काउट के जन्मदाता बेडिन पावेल की जीवनी पर चर्चा की। मौके पर सुनीता सिन्हा, ब्रिजेश सिंह, नीलू खातून सहित काफी संख्या में लोग शामिल हुए। आज हमारे देश में जितने भी काम लोग हैं, उस सर एक छोटी सी, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आज छोटे से गाँव से निकल करके आज प्रधानमंत्री बने। आज अब्दुल कलाम अगर राष्ट्रपति बने, छोटे से गांव के स्कूल से राष्ट्रपति बने, तो आप भी जो बच्चे हैं इसमें से भी आप बहुत ऊंचे उठ सकते हैं।
देश का भविष्य बना सकते हैं। और उन्होंने कहा कि पैसे की वजह से आपके बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, उसकी पूर्ति हम करेंगे। भागलपुर ब्रह्मपुरा में राष्ट्रीय मानव अधिकार सर्वेक्षण की ओर से रविवार को 8वां एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार सर्वेक्षण के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवशंकर कौशल एवं प्रदेश अध्यक्ष शमशाद अली सिद्दीकी मौजूद रहे। कार्यक्रम में भागलपुर, मधेपुरा, कटिहार, बेगूसराय, सहरसा समेत झारखंड से आए अधिकारियों ने भाग लिया। मौके पर भागलपुर प्रमंडल के अध्यक्ष ताहा हाफिज जानी ने अतिथियों का स्वागत किया, साथ ही संगठन के उद्देश्य पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। वही प्रदेश प्रमंडल एवं जिला के पदाधिकारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राफिया अथहर, अफजल अली, एनुल हुदा, शफकतुल्ला अंसारी, फकरे आलम समेत कई अधिकारी मौजूद थे।